people, it's me, Sean. Thank you so much for clicking on this video and welcome to my channel. Today, finally, we are going to watch the trailer of Race 3. काफी टाइम से वेट हो रहा है इस मूवी का एंड काफी प्रॉब्लम्स भी आई इस मूवी के बीच में. ट्रेलर कई बार डिले हो गया, सलमान खान को जेल जाना पड़ गया, काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई. बट फाइनली अब इतने सारे ऑब्स्टिकल्स पार करने के बाद रेस 3 का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने है. इट्स स्टारिंग सलमान खान, ऑब्वियसली अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, बॉबी देओल, साकिब सलीम, डेजी शाह एंड लेट्स सी और कौन कौन है साथ में. सो रेस 3 ऑफिशियल ट्रेलर, हियर वी गो. ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी. Welcome back to the race. Oh, oh, oh. परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तब भी हम पीछे नहीं आएंगे. गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए पहले मैंने डिसीजन लिया. आई नो आई एम गेटिंग एंग्री, वेरी एंग्री. तुम्हारे यकीन कैसे तोड़ सकती हूँ? वैसे भी वादे और इरादे की बड़ी पक्की हूँ मैं. हाथ देना प्लीज, घबरा मत, शादी के लिए नहीं मांग रहा. हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं. Wow, nice. Our business is our business, none of your business. आपको हम दोनों दिखते भी हैं? नहीं, मुझे तो लगा आपको अपने ब्लू वाइट बॉय सिकंदर के सिवा कोई दिखता ही नहीं. सिक्कू, I'm sick of this sicko. हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो उतना ही बिजनेस बढ़ता है. मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं. जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं. सलमान खान कार चलाएंगे इस मूवी में? आई मीन रिस्की तो नहीं होगा. ओके, कीपिंग जोक्स असाइड, भरपूर एक्शन. इट्स लाइक इंडियन फास्ट एंड फ्यूरियस. मैंने अभी कुछ दिन पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 8 देखी है, उसमें इतना भरपूर एक्शन था एंड ये उसी की तरह उसमें एक्शन लग रहा है. इसमें क्या नहीं है एक्चुअली में, लिटरली इसमें क्या नहीं है. इसमें मिसाइल्स हैं, इसमें सलमान खान हैं, इसमें कार्स हैं, इसमें प्लेन्स हैं, इसमें जीप है, इसमें डेजर्ट की लोकेशन है, इसमें अनिल कपूर गाड़ी के छत से निकले हुए फायरिंग करते हुए हैं. और क्या चाहिए, सब कुछ है इस मूवी के अंदर, पूरा सब कुछ डाल दिया इस मूवी के अंदर. I don't know how it's gonna be related to the previous ones, but
कोई ये कहे ना कहे, आई नो सलमान खान इज ग्रेट, ही इज लुकिंग रियली ऑसम, एक्शन भरपूर होगा एंड मूवी सुपर डुपर हिट जानी है, इट्स लाइक ऑब्वियस, बट आई एम गोना मिस सैफ अली खान. सैफ अली खान और रेस का रिश्ता ऐसा है ना कि वो सैफ अली खान इसमें नहीं होगा तो आई विल बी लाइक डैम आई मिस्ड हिम, क्योंकि यू नो ही इज लाइक द मेन गाय. बट कोई नहीं, सलमान खान है अब इसमें, ही इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी एंड रेमो डिसूजा इज डायरेक्टिंग, विच इज इंटरेस्टिंग. पहले अब्बास मस्तान की स्टार्ट की हुई फ्रेंचाइजी है एंड अब यू नो रेमो डिसूजा इसमें बना रहे हैं. रेमो डिसूजा एक्शन, आई डोंट नो रेमो डिसूजा का एक्शन, आई मीन इट लुक्स ग्रेट ऑन द ट्रेलर बट इट्स रेमो डिसूजा, एंड अगर रेमो डिसूजा है तो आई एम होपिंग कि इसमें डांस काफी अच्छे लेवल का होने वाला है. बाकी सबसे बड़ा शॉक जो मुझे मिला ये ट्रेलर देखने के बाद, बॉबी देओल ने बॉडी बना ली. आई मीन सलमान खान और बॉबी देओल दोनों शर्टलेस चलते हुए आ रहे हैं सामने से, व्हाट द हेल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. आई मीन सलमान खान की शर्ट उतरना तो बनता ही है, मतलब पैसे वसूल नहीं होते लोगों के जब तक यू नो शर्ट ना उतरे, बट बॉबी देओल की भी आई मीन मेहनत करिए बॉस, सच में मेहनत करिए. एंड यू नो लोग कितना भी मजाक उड़ा लें बॉबी देओल का, बॉबी देओल को कुछ भी बोल रहे हैं, मैं फेसबुक देखता हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कितना यू नो मीम्स बनाते हैं बॉबी देओल के ऊपर, बट मैंने बॉबी देओल की जितनी भी फिल्में देखी हैं, बॉबी देओल इज एन अमेजिंग एक्टर. मूवीज अब नहीं मिलती हैं, काफ़ी टाइम हो गया यू नो मिलते हुए मूवी, मतलब मूवीज मिले हुए, एंड यू नो किस्मत सबकी अच्छी नहीं होती, बट बॉबी देओल इज अ रियली गुड एक्टर. उसमें सारी एक्टर की क्वालिटीज हैं, ही इज एक्चुअली गुड लुकिंग, उसके पास एक्चुअल एक्टिंग स्किल्स हैं शायद आज के कुछ एक्टर से कहीं ज़्यादा. आपको अगर नहीं विश्वास आ रहा है, पुरानी कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, चाहे वो गुप्त हो, बादल हो, सोल्जर हो, कोई भी मूवी, बॉबी देओल इज अमेजिंग. एंड जैकलिन फर्नांडिस ऑब्वियसली शी इज हेयर, एंड किक से ही उनकी जो केमिस्ट्री है ना आपस की, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. सलमान और जैकलिन को साथ में देखना इज रियली नाइस. अनिल कपूर इज लुकिंग सो बैड एस, आई मीन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. पहले वाली रेस की मूवीज में एक यू नो रिश्वत खाने वाला पुलिस वाला, एंड इसमें ही इज लाइक ही इज सो बैड एस, लाइक यू नो गैंगस्टर माफिया डॉन, सबको मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, ही इज लाइक दैट, कितना बैड एस लग रहा है. साकिब सलीम है इसमें, ही इज यू नो रियल लाइफ ब्रदर ऑफ हुमा कुरैशी एंड ही इज अ रियली गुड एक्टर. उसकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी रणदीप हुडा के साथ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, बट मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है उस मूवी का टाइटल क्या था, बट इट वॉज स्टारिंग रानी मुखर्जी, साकिब सलीम एंड रणदीप हुडा. इट वॉज अ शॉर्ट फिल्म, इट वॉज नॉट अ फुल फिल्म, इट वॉज अ शॉर्ट फिल्म, 20 मिनट्स या 25 मिनट्स की मूवी थी. मुझे नाम ध्यान आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मैंशन करूंगा, बट वो मुझे मूवी जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस लगी साकिब सलीम की, ही इज रियली अमेजिंग. एंड वॉट एल्स, जो इसमें एक्शन है, फाइटिंग एक्शन जो है, फाइट सिक्वेंसेज जितने भी इसमें होंगे, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फीमेल वंस. मतलब जिस तरह यू नो डेज़ी शाह ने अपनी ड्रेस फाड़ी और वो किक मारी, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड. I mean, I know she's a dancer, she has that, you know, flexibility in her body, but, you know, वो actual witness करना उस तरह का action, Daisy Shah, Jacqueline Fernandez किस तरह, you know, action करेंगी, मजा आएगा देखने में. So I'm like, you know, really, ये एक तरह की वो होने वाली है, पैसा वसूल मूवीज होती है ना जिसमें लोग चिल्लर उठा के पर्दे पे फेंक देते हैं, ये वैसी मूवी होने वाली है. So I am like really impressed, full action packed. I mean, I know, थोड़ा over the top लगेगा, it's like, यू नो ऐसी मूवीज में ये कॉमन होता है, थोड़ा ओवर द टॉप होता है, यू नो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सा कुछ लगेगा कि बस यू नो कि बाइक आई पेड़ के लॉक के नीचे से, वो ऐसे ही टर्न होके फिर चल पड़ी, आई मीन यू नो, बट ठीक है, जो है सो है, थोड़ा ओवर द टॉप होगा बट इट्स गोना बी अमेजिंग. आई जस्ट विश सैफ अली खान से कैमियो करा दे यार, मैं खुश हो जाऊंगा. बस एक कैमियो करा दो सैफ अली खान से प्लीज, एंड जस्ट यू नो टेल मी योर थॉट्स गाइस, आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा इस ये ट्रेलर, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, एंड इफ आई हैव यू नो अपसेटेड एनी सलमान खान फैन, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी सलमान खान की कोई मूवी पे वीडियो डालता हूँ लोग बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से लोगों को बुरा भी लग जाता है तो लोग मुझे गालियाँ भी सुनाते हैं, तो इसलिए आई एम अपोलोजाइजिंग इन एडवांस. अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई हो तो आई एम रियली सॉरी, एंड That's it guys, if you like this video please you know subscribe to this channel, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, अगर और वीडियोस ऐसी दिखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे पर्सनल अकाउंट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट एंड ऑल द अदर सोशल मीडियाज़.
एंड दैट्स इट गाइज, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।